हेलो दोस्तों, ब्लू प्लेनेट यूट्यूब चैनल के एक और रहस्यमय एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में अनेकों ऐसी जगहें हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं। इनमें से कई जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक जरा भी नहीं सुलझा पाए हैं, जबकि कई जगहों के रहस्यों को आंशिक रूप से सुलझा पाए हैं। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुँचने के लिए अभी भी रिसर्च जारी है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बता रहे हैं जिसको सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। आपने पानी के बहुत बड़े और सुंदर झरने तो जरूर देखे होंगे, पर आज हम आपको पृथ्वी की ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां पर पानी का नहीं बल्कि खून का झरना बहता है। पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह यानी अंटार्कटिका, जो कि सबसे ठंडा महाद्वीप कहा जाता है, वहाँ कुछ ऐसा ही मिला है जिसने सभी को चौंका दिया है। आपने अपने खून को रोगों में दौड़ते हुए तो महसूस किया होगा, मगर आज हम आपको खून से भरे हुए झरने के बारे में बताएंगे। यह अपने आप में अनोखा है। अंटार्कटिका के इस अजीबोगरीब झरने की खोज सबसे पहले अमेरिकी जीव विज्ञानी ग्रिफिथ टाइलर ने सन 1911 में की थी। उन्होंने इस झरने के पानी का रंग खून के रंग के जैसा होने के कारण इस झरने का नाम ब्लड फॉल रखा था। यह झरना अंटार्कटिका की मैकमर्डो घाटी में बहता है। इस झरने की ऊंचाई लगभग किसी 5 मंजिल की इमारत जितनी है। अब तक अंटार्कटिका के कई जगहों पर इस झरने के पानी की तलाश की गई है, मगर ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिला है। वहीं वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को जानने के लिए इस पर खोज करनी शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों के मन में भी इस पानी के रंग को लेकर कई सारे अनसुलझे सवाल है, जिसका जवाब वह जल्द लाने का दावा कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क देके इस रहस्य को सुलझा लिया है। अगली वीडियो में हम आपको उन्हीं तर्कों के बारे में बताएंगे और इस ब्लड फॉल का रहस्य हम आपको जरूर बताएंगे। तो अगर दोस्तों आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।